ड्रामा सीरियल जा निसार जिस पे सब निसार हो चुके हैं बहुत ज़्यादा स्टोरी इसकी बहुत ज़्यादा स्टोरी इसकी इंटरेस्टिंग होने वाली है जैसा कि आप देख रहे हैं कि दानिश को बताया गया है कि कितना ख़ुद सर और ज़िद्दी इंसान है यानी कि पहले की तरह ही इसको दिखाया जा रहा है और मिलता जुलता है दीवानगी से आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो हिब्बा को प्रपोज़ करेगा और उसको कहेगा कि वो उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता है और हिब्बा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो भी छुटकारा पाना चाहती है अपने इस छोटे घर से अपने इन छोटे छोटे लोगों की सोच से लेकिन वो नहीं जानती है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है आज उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जिंदगी उसके लिए जहन्नम के अलावा और कुछ भी नहीं है लेकिन वो समझ रही है कि जैसे ही वो उसकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी तो उसके लिए सब कुछ आसान और सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि उसका बाप उसकी वजह से काफी परेशान है और कहता है अपने घर वालों से कि खुदा इसको समझाइए पता नहीं क्यों ये लड़की किसी की बात नहीं सुन रही और हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर उतरी हुई है लेकिन वो कहां सुनती है लेकिन दूसरी तरफ नजर जैसे ही पड़ जाती है उसकी दुआ के ऊपर तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और बस दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि बस इस लड़की को वो हासिल करके रहेगा चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन वो भी अपने फेम की खातिर आगे सारा कुछ यानी कि पैसे की खातिर ये मान जाएगी पहले तो वो कहेगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता लेकिन जब वो मुड़कर अपने हालात देखेगी तो फिर इस बात के लिए ये राजी हो जाएगी और कहेगी कि मैं राज़ी हूँ मेरी ज़िंदगी से जो पुरानी बातें हैं पुरानी यादें हैं उसको निकालने में क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो जिस पर वो उसको कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारी इन सब चीज़ों में मदद करूँगा तुम्हें बिला वजह किसी बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे माजी की याद तक नहीं आएगी क्योंकि मज़ीद वो उसको इस तरह की तकलीफ़ें देगा कि वो सब कुछ पुराना भूल जाएगी और नई तकलीफों में मुबतला हो जाएगी उसको के पहले तो उसकी किसी बात का यकीन नहीं करती है और बातों बातों में इसको कह देती है कि मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करती और ना ही मैं पसंद करती हूँ लेकिन आप देखेंगे कि आहसा आस्ता वही जो है बात वो होटल होती जाएगी और सारे मामले जो हैं सुलझते जाएंगे लेकिन वो समझ रही है कि शायद जो पुरानी जिंदगी इसने खोई है वो जिंदगी इसके लिए बहुत ही फजूल किस्म की जिंदगी थी और उसका नाम भी लेना गवारा नहीं समझती है लेकिन आने वाली जिंदगी को वो बहुत ही बेहतरीन जिंदगी तस्वर कर रही है वो नहीं जानती है कि उसकी जिंदगी में किस कदर कांटे बिछने वाले हैं किस कदर तकलीफें आने वाली हैं वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती है और चाहती है कि बस अपने माजी को मुड़ के भी ना देखे यही दानिश उसको समझाने की कोशिश कर रहा है और उसको कहता है कि तुम अपने माजी को मुड़ के भी मत देखना तुम्हें सारी खुशियाँ मिलेंगी सब कुछ मिलेगा इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से और नए अंदाज़ में शुरू करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने की जरूरत है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसी लड़की को इस क़दर जुल्म के साथ क्यों रखा जा रहा था इतने जालिम लोग कैसे हो सकते हैं जिस पर वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है अलबत्त वो जानती है कि उसकी अपनी कुछ ख्वाहिशात थी जिसकी वजह से उसके घर वाले उससे तंग आ चुके थे और इन बातों को बिल्कुल नापसंद करते थे लेकिन वो जिन ख्वाहिशात पर मर मिटी थी वही करके दिखाएगी वही बन के दिखाएगी इस बात की समझ अभी नहीं आ रही उसको और वो समझ रही है कि मसले बड़े ही ठीक जा रहे हैं और जैसे ही दानिश उसको मिल गया है तो समझो उसको सब कुछ मिल गया है इस बात ने उसको बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है और उसका दिमाग जो है ख़राब करके रख दिया है लेकिन असल माजरा वो नहीं समझ रही कि अपनी ज़िंदगी की असल जो उसकी मुसीबतें हैं असल परेशानियाँ है। वो अब शुरू होने वाली हैं वो समझ रही थी सब कुछ गुजर चुका लेकिन मज़ीद अब शुरू होने वाली चीज़ों को वो नहीं समझ पा रही है और वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में इस कदर परेशानियाँ आ चुकी हैं कि मैं क्या बताऊँ काश वो टाइम ही रहता तो अच्छा बेहतरीन ड्रामा सीरियल जानसार आप देखेंगे इस ड्रामे में कि हिबा बुखारी की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं तकलीफ़ें इस बात के लिए हैं क्योंकि जो कुछ वो करना चाहती है वो उसके घर वाले इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत ही सादा मिजाज लोग हैं और उसके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं लेकिन हिबा बुखारी इस सब चीज़ों से तंग आ चुकी है और वो कहती है कि न जाने कौन सा दिन होगा जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी क्योंकि मैं अब इन लोगों में रह रह के तंग आ चुकी हूँ उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो ऐसा क्यों सोच रही हो ना जाने ज़िंदगी कहाँ के इस मोड़ पर तुम्हें कैसे ले आए तुम समझ क्यों नहीं रही जहाँ पर हो जो कुछ है इसी को गनीमत समझो लेकिन वो कहाँ सुनने वाली है और अपने घर वालों की बातों को बहुत ही गलत किस्म का सोचती है और कहती है कि एक दिन मैं वो करके दिखाऊंगी जो किसी ने नहीं किया है बहुत सी बातें करती है उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हैं उसकी वजह से उसकी ज़िद और हट दर्मी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है उसका बाप हर वक्त इस बात के लिए परेशान रहता है और कहता है घर वालों से कि इसको समझाया जाए ऐसा ना हो कि कल को मजीद कोई इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए टेंशन खड़ी हो जाए फिर जाकर आपको समझ जाएगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में इस बात की कल है और आप लोग इस बात को समझ रहे हो जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली जो करूँगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही करूँगी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा यानी कि सता रही है वो भी इस कदर के लेकिन खामोश भी है लेकिन फिर भी वो चाह रही है कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो ये काम करना उसके घर वालों के लिए नामुमकिन नज़र आ रहा है क्योंकि वो ऐसा उसको नहीं देखना चाहते हैं वो बहुत ही सादा तबीयत लोग हैं इसलिए वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं लेकिन वो आज़ादी के लिए कुछ भी करना चाहती है और कहती है कि मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करूँगी यानी कि मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती और अपनी ज़िंदगी को खाबो ख़्याल इस तरह से होने लग जा उसके के पास उसके दिमाग में कोई ज्यादा टाइप लड़का ही आ रहा है बार बार और बार बार उसको यही समझ आ रही है और वो आता है दानिश के रूप में और इसलिए आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा हैरान होती है उसको देख के पहले तो उसकी किसी बात का यकीन नहीं करती है और बातों बातों में इसको कह देती है कि मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करती और ना ही मैं पसंद करती हूँ लेकिन आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वही जो है बात वो होटल होती जाएगी और सारे मामले जो हैं सुलझते जाएंगे लेकिन वो समझ रही है कि शायद जो पुरानी जिंदगी इस खोई है वो जिंदगी इसके लिए बहुत ही फजूल किस्म की ज़िंदगी थी और उसका नाम भी लेना गवारा नहीं समझती है लेकिन आने वाली ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन जिंदगी तस्वर कर रही है वो नहीं जानती है कि उसकी ज़िंदगी में किस कदर कांटे बिछने वाले हैं किस कदर तकलीफ़ें आने वाली हैं वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती है और चाहती है कि बस अपने माजी को मुड़ के भी ना देखे यही दानिश उसको समझाने की कोशिश कर रहा है और उसको कहता है कि तुम अपने माजी को मुड़ के भी मत देखना तुम्हें सारी खुशियाँ मिलेंगी सब कुछ मिलेगा इसलिए यही है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से और नए अंदाज़ में शुरू करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने की ज़रूरत है मुझे समझ नहीं आ रहे कि तुम जैसी लड़की को इस कदर जुल्म के साथ क्यों रखा जा रहा था इतने जालिम लोग कैसे हो सकते हैं जिस पर वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है अलबत्तः वो जानती है कि उसकी अपनी कुछ ख्वाहिशात थी जिसकी वजह से उसके घर वाले उससे तंग आ चुके थे और इन बातों को बिल्कुल नापसंद करते थे लेकिन वो जिन ख्वाहिशात पर मर मिटी थी वही करके दिखाएगी वही बन के दिखाएगी इस बात की समझ अभी नहीं आ रही उसको और वो समझ रही है कि मसले बड़े ही ठीक जा रहे हैं और जैसे ही दानिश उसको मिल गया है तो समझो उसको सब कुछ मिल गया है इस बात ने उसको बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है और उसका दिमाग जो है ख़राब करके रख दिया है लेकिन असल माजरा वो नहीं समझ रही कि अपनी ज़िंदगी की असल जो उसकी मुसीबतें हैं असल परेशानियाँ हैं वो अब शुरू होने वाली हैं वो समझ रही थी सब कुछ गुजर चुका लेकिन मज़ीद अब शुरू होने वाली चीज़ों को वो नहीं समझ पा रही है और वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में इस कदर परेशानियाँ आ चुकी हैं कि मैं क्या बताऊँ काश वो टाइम ही रहता तो अच्छा था